पाकिस्तान के पारा चिनार में सिया समुदाय पर हुए हमले का लगातार विरोध हो रहा है। लखनऊ के रुस्तम नगर में प्रदर्शन के बाद आज जुमे की नमाज के बाद बड़ा इमामबाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन मजलिस से उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित युवाओं ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले रौंदा और सभी लोगों के हाथ में पोस्टर और बैनर थे जिस पर पाकिस्तान मुर्दाबाद और शहबाज शरीफ हाउस में आओ लिखा हुआ था। वहीं मौलाना कल्ब जवाद ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी जब चाहते हैं सिया समुदाय को टारगेट बनाकर हत्या कर देते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र को सिया नरसंहार के अपराध के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सुनिए मौलाना ने क्या कुछ कहा। देखिए पाकिस्तान में जो है वो उसकी अपनी हुकूमत नहीं वहाँ की पब्लिक की, बल्कि वहाँ पर अमेरिका हमेशा अमेरिका के पिट्ठू और इसराइल के पिट्ठुओं की हुकूमत रहती है। ज़्यादा हमेशा उनकी पॉलिसी पर अमल करते हैं। ज़्यादा बरसों गुजर गए हैं वहाँ शियों का कत्लेआम होता। पारा चनार में एक बार नहीं 8 बार हमले हुए, 8 बार हज़ारों वहाँ पर शियों को मारा गया है। और ये अब से नहीं, सन 60 से ही हो रहा है। कहा जाता है ज़मीन का वाकया है, ये ज़मीन का वाकया सन 60 से चल रहा है क्या? तो ये झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही है, पाकिस्तानी हुकूमत झूठ बोल रही है कि ज़मीन की लड़ाई है। ज़मीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि शिया जो है वो इसराइल से लड़ रहे हैं, लिहाजा अमेरिका के जो पिट्ठू हैं वो शियों को सजा दे रहे हैं इसकी। बता दें कि पारा चिनार में शियाओं के कत्लेआम को लेकर के सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के जरेली सादात में भी प्रदर्शन किया गया। आज जुमे की नमाज के बाद जरेली सादात में लोग इकट्ठा हुए और पारा चिनार के लिए आवाज़ उठाई गई। वहीं जरेली सादात की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना जोन अब्बास और जरेली के दूसरे लोग मौजूद रहे। हुसैनी टाइगर्स के उपाध्यक्ष अर्स जैदी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान फुरकान जैदी, ताजीम हैदर, जावेद अली, मुनाजिर प्रधान समेत काफ़ी लोग मौजूद रहे और हुसैनी टाइगर्स, बरेली टीम और जरेली सादात के अजादारों ने पूरी ताकत से आवाज़ उठाई और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान मौलाना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بعد نماز جمعہ ہم جریلی سادات میں احتجاج اس سلسلے میں کر رہے ہیں کہ جو ظالم حکومتیں ہیں، ظالم جس زمانے کے، جس شہر کے، جس کنٹری کے لوگ ہیں، آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ، سب جگہ خبریں پھیل رہی ہیں۔ ایک پاکستان کے اندر جو ایک جگہ پارا چنار ہے، اس پانا چنار میں دہشت گردی کے نام پر جو مسلمان شیعوں کو مار رہے ہیں، ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان نہیں مانتے۔ ہم ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف رہتے رہیں گے۔ لہٰذا ہم اس چیز کا آج احتجاج کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی ظلم ہماری شیعت قوم پر ہو رہا ہے اور جو حکومت بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے، ہم اس حکومت کے خلاف کھڑے ہیں۔ لہٰذا اس حکومت سے یہ اپیل کریں گے کہ اس پر ایکشن لے، اگر ایکشن نہ لیے تو ہم دنیا کے تمام ممالک، تمام شہر، تمام جگہ اس چیز کا احتجاج کریں گے اور اس کا بہت زیادہ مہنگا خامزانہ اٹھانا پڑے گا۔ وہیں لکھنؤ ہو یا پھر جریلی سادات، دونوں ہی جگہ لوگوں نے پاکستانی حکومت کے خلاف آکروش دکھایا۔ प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।